आज हम वही झारखंड की बात करेंगे जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की आग अब तक बुझी नहीं है और इधर जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक होने की बात सामने आने लगी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड में हाल के समय में ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया और आज इसी प्रकार का एक और मामला सामने आ रहा है। जेपीएससी के द्वारा 11वीं 12वीं 13वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज ही ली जा रही है। राज्य के कुल 834 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। परीक्षा दो पालियों में होनी है और झारखंड में 11वीं जेपीएससी परीक्षा पेपर एक बार फिर से लीक हो गई। ऐसा हम नहीं बल्कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी कर रहे हैं। आज सुबह पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने के बाद चतरा जिले के एक परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक हो गया है। इसके कुछ ही देर बाद जामताड़ा जिले में भी पेपर लीक का मामला सामने आता है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जेपीएससी के परीक्षा देने पहुंचे छात्र परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर अपने उत्तर पुस्तिका में मोबाइल फोन से सवालों के जवाब सर्च करते हुए और भरते हुए दिख रहे हैं। जामताड़ा में यह पेपर लीक का मामला महिजाम जेएसएस कॉलेज में हुई हंगामा की खबर सुन जामताड़ा एसडीओ आनंद कुमार अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे छात्रों के मामले की जानकारी लेना चाहा लेकिन छात्रों और एसडीओ के साथ बात नहीं बनी। एसडीओ ने लाख समझाने का प्रयास किया लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। और वहीं धनबाद के पुटकी राजकीय उच्च विद्यालय में भी जेपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। हालांकि वहां मीडिया को स्कूल में प्रवेश करने से पुलिस ने रोक दिया। बता दें पहले चतरा जिले के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में स्थित परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक का मामला सामने आया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। साथ उन्होंने कहा परीक्षा के शुरू होने से पहले एग्जाम हॉल के बजाय प्रिंसिपल के चेंबर में ही प्रश्न पत्र को खोला गया था। चतरा के बाद अब जामताड़ा जिला से भी जेपीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के वेबसाइट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में अपना मोबाइल फोन से सवालों के जवाब सर्च करते हुए भरते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं लेकिन इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि यह वीडियो कब का है। चतरा में प्रश्न पत्र को प्रिंसिपल के चेंबर में खोलने का छात्रों ने आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि नियम के अनुसार छात्रों के सामने ही प्रश्न पत्र का पैकेट सील खोलना चाहिए लेकिन सील पहले से ही खुली थी। सवाल करने पर बदतमीजी की गई। छात्रों के हंगामा की सूचना पाकर दल बल के साथ मौके पर पुलिस और दंड अधिकारी पहुंचे। मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल धनेश्वर राम ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में परीक्षा अवधि में नियम अनुसार प्रश्न पत्र खोला गया है। पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्ड के द्वारा की गई है। हंगामा कर रहे छात्रों के आरोप को उन्होंने निर्धार बताया है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के हंगामा की सूचना के बाद मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी वहां पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ वार्ता करने का प्रयास किया और कहा कि अगर परीक्षा में लापरवाही हुई है तो सुनिश्चित ही कार्रवाई होगी, यह आश्वासन दिया गया। इस मामले पर विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए चंपई सरकार को परीक्षा करवाने में फेल बताया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की आग अब तक बुझी नहीं है, इधर जेपीएससी परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक होने की बात सामने आने लगी। उन्होंने लिखा कि जेएसएससी के तर्ज पर जेपीएससी में भी चंपई सरकार ने युवाओं की नौकरी बेचने का प्रबंध कर लिया है। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार से तरस छात्रों के पास अब एक ही विकल्प है, झामुमो कांग्रेस हटाओ और नौकरी पाओ। इस पर आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय सचिव कंवलजीत सिंह ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा का आज प्रश्न पत्र लीक होने का मामला जामताड़ा और चतरा सहित अन्य स्थानों से सामने आ रहा है। कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया और इस मुद्दे पर सरकार को कार्रवाई करते हुए लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगे यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर इसी तरह के और भी आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार।